हेलो स्टूडेंट्स, 120 क्वेश्चंस की जो सीरीज मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें मैंने 3D के कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम करवाए थे आपको और वेक्टर की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी करवाई थी। अभी मुझे लगता है कि मैं करा चुका हूँ बेस थ्योरम जब मैंने स्टार्ट किया था कंपार्टमेंट को पढ़ाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेस थ्योरम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको बहुत ही ज़रूरी ज़रूर करके जाना चाहिए। टफ तो है नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उसके बाद आपको सभी कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन रीड कर रहे हो कि 5% मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज मेल। यहाँ पर एक चीज़ और है कि मेल और फीमेल जितने भी हैं वो इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसे समझोगे, क्या करना होता है? तो मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी शायद जब पढ़ाया होगा तो आपको ये एग्जाम्पल दिया होगा कि बेस थ्योरम को पहचानने का मतलब होता है कि दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है। जैसे आप मान लीजिए अपने स्कूल जाते हो या कहीं पर भी आप जाते हो, ठीक है, आपके अलग अलग वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। जैसे हो सकता है कि आप स्कूटी से जाते हो, सकता है आप बाइक से जाते हो, सकता है आप कार से जाते हो, और आप लेट पहुँचते हो। तो कभी स्कूटी से जाते हो तो उसके लेट पहुँचने की प्रॉबिलिटी है, कुछ बाइक से जाते हो तो उसको लेट पहुँचने की प्रॉबिलिटी है, और आपको कहीं पर वहाँ पर देखा गया और आप लेट आए थे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि आप आज कार से आए हो और लेट आप पहुंचे हो वहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी में क्या, मतलब बेस थ्योरम में क्या है कि एक चीज़ कॉमन होती है, यहाँ पर लेट आना कॉमन था और यहाँ पर ग्रे हेयर्ड कॉमन है और मेल और फीमेल हैं। तो सोल्यूशन, ठीक है, ई जो इवेंट होगा, पर्सन सिलेक्टेड इज मेल, सिलेक्टेड इज मेल, एक तो ये मेल हो गया और दूसरा ई टू, पर्सन सिलेक्टेड इज फीमेल, ठीक है। और जो दोनों में कॉमन बातें हैं, जो दोनों में कॉमन बातें हैं वो उसको ए मानते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सभी करने हैं, ठीक है, आप इसको समझो, उसके बेस पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से करने। तो ए मानेंगे पर्सन हैविंग ग्रे हेयर, ठीक है, हैविंग ग्रे हेयर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी आप देखो कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मेल और फीमेल बराबर हैं तो मेल की भी 1/2 हो जाएगी और फीमेल की भी 1/2 हो जाएगी। अब ए की बात करें कि पर्सन को, मेल को अगर ग्रे हेयर है तो उसकी 5/100 और फीमेल की 0.25/100, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपको आना चाहिए बेस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ई, अब जैसे जो भी आपको निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज मेल, तो ई1 आपको इसमें लेना है और ये फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपको निकालना है वो ऊपर रहेगा, P E1 dot P A E1 upon में ये रहता है P E1 P A E1 plus P E2 और P A E2, इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये फार्मूला है, अगर तीन चीज़ें होती तो तीन बार ये नीचे लिख जाता, तो ऊपर 1/2 × 5/100 plus 1/2 × 0.25/100, ठीक है, तो हर जगह से आप ले लो 5/200, पूरे में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी 5/200 और यहाँ पर प्लस होके 0.25 भी अपॉन 200, ऐड कर लो और कट कर दो, तो ऐड होने पे 5.25 upon 200 से 200 कट कर दो, बचा आपका 5/5.25, ठीक है, पॉइंट हटाओ, दो जीरो बढ़ेंगे। अब आप इसको कट कर लो, 25 से अगर आप कट करोगे तो 20
और ये 21, तो 20/21 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है इंपॉर्टेंट बात, एक तो है फॉर्मूला, दूसरी चीज है कि आप ये तीन चीजें समझ जाओ कि E1 E2 A कहां पर है, ठीक है, एक तो ये समझ जाओ, दूसरी चीज आपकी ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को समझ पाओ, मींस ये क्वेश्चन को समझोगे तभी तो E1 E2 और A पहचान पाओगे। तो मैं अभी आगे एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ज्यादा तो आपको बेस थ्योरम में मैं नहीं करवा रहा हूं इस, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, उससे समझने की कोशिश करना कि आप लोग जो है वो कितना इसको कर पाते हो। ये फार्मूला आप याद कर लो, ठीक है, इसमें बस जो चीज़ निकालनी रहती है वो ऊपर रहती है और बाकी जो बचता है वो सभी अपॉन में आ जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है वो आप ध्यान से पढ़ो, ये 2011 में और 13 में दो बार आया है। बैग फर्स्ट कंटेन 3 red and 4 black balls एंड बैग सेकेंड कंटेन 5 red and 6 black balls। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड। तो दोनों में कॉमन बात क्या है कि रेड बॉल निकाली गई, ठीक है, रेड बॉल की जो है वो कॉमन है। बैग कितने हमारे पास, 2, तो E1 हमारा हो जाएगा बैग 1, ठीक है, आप लिखना पूरा सिलेक्टिंग ऑफ बैग 1 करके बैग 2, और जो A आ जाएगा गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। इतनी तीन चीज़ें हमें हमेशा पता चल जानी चाहिए, दो बैग हैं तो बैग 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, दूसरा बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि E1 मतलब कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल बॉल्स कितनी है इसमें, 3 और 4 7, और रेड कितनी है 3, तो 3/3 + 4 यानी कि 3/7, क्लियर हो गई इतनी बात। और दूसरे बैग से AE2, ठीक है, तो ये कितने कितने हैं, 5 और 6, 5/5 + 6 यानी कि 5/11, कितना हो गया 5/11। उसके बाद हमें निकालना क्या है, यूजिंग बेस थ्योरम हमें निकालना क्या है कि सेकेंड बैग से निकलनी चाहिए, और ये तो ऊपर हो जाएगा PE2 PA E2 / PE1, ठीक है, PA E2 E1 + PE2 PA E2, ठीक है। तो यहां से वैल्यू डालनी है आपको, PE2 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 5/11 / 1/2 3/7 + 1/2 ये आपका 5/11। मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता सकता हूँ आपको, जगह भी है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कैलकुलेशन को आप करके कमेंट करके बताओ तो मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी हम लोग कुछ अलग प्लानिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक्स तो लगभग हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं, अब जरूरत है प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे होगी, वही एक ही तरीके से हो सकती है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट पेपर्स लगाओ, सैंपल पेपर्स लगाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पेपर्स लगाने के लिए जो बोर्ड में आ चुके हैं, क्योंकि सैंपल पेपर में बहुत फालतू के क्वेश्चंस भी रहते हैं, उससे आप डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। आप सिर्फ एक काम करो, कहीं से भी पेपर अरेंज करके, ठीक है, वो आप करने लग जाओ, बाकी मैं जो भी हेल्प होगी आपकी करता रहूँगा। चैनल पर नए हो, आपको लग रहा है कि मैं आपकी सच में मदद कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं देखता हूँ कि लास्ट के 10 डेज़ में आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ, और आपके लिए एक प्लान भी बहुत जल्दी अच्छा सा लेके आऊँगा। थैंक यू।